तो ये लैपटॉप मैंने बाय किया सिर्फ 3000 में। आप लोगों को लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट सच में मैंने इस लैपटॉप को 3000 में परचेज किया है और इस लैपटॉप के अंदर हम लोग गेम्स भी ट्राई करने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कैसे मैंने इस लैपटॉप को सिर्फ 3000 में परचेज किया है। फ्लैशबैक। तो दरअसल मेरे फ्रेंड को सेकंड हैंड में लैपटॉप की जरूरत थी और उसका बजट बहुत ज्यादा कम था। आप लोग भी सुन के चौंक जाओगे, तो उसका बजट सिर्फ 5000 था और इसको इस लैपटॉप में मेनली गेम खेलना था और थोड़ा मोड़ा एडिटिंग और कोडिंग वगैरह करना था। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था मेरे लिए 5000 में एक अच्छा सा लैपटॉप ढूंढना। तो ये काम इतना ही मुश्किल है जितना अंधेरे में सुई ढूंढना। तो इसके बाद मैं लग गया लैपटॉप ढूंढने में। सबसे पहले मैं क्या करने लगा, जितने भी मेरे आसपास में कंप्यूटर शॉप थे वहां मैं विजिट करने लगा। तो इसके बाद हम इस शॉप के ओनर से पूछे कि आपके पास सेकंड हैंड में लैपटॉप अवेलेबल है, तो इन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि हम कोई भी सेकंड हैंड का काम नहीं करते हैं यार, बहुत ज्यादा लोचा होता है। तो वहां से हम लोगों को नाराजगी मिली, तो हम लोग दूसरे शॉप चलते हैं। तो अब हम लोग एक और दूसरे शॉप पर आ चुके हैं और वहां पर भी हमने पूछा कि आपके पास सेकंड हैंड में लैपटॉप अवेलेबल है। तो ये भाई साहब अपने गुटके में ही बिजी थे और इनका भी कहना सेम था कि हम सेकंड हैंड में लैपटॉप नहीं बेचते हैं। और इसके बाद मैं मुंह लटका के दोबारा से अपने घर आ गया, क्योंकि मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पे पीसी पार्ट मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, अगर मिलता भी है तो वो बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। तो इसके बाद मेरे फ्रेंड ने मुझे एक शॉप का नंबर प्रोवाइड किया, वो बता रहा था कि ये शॉप वाला सेकंड हैंड में लैपटॉप बेचता है। तो इसके पास कॉल लगाते हैं और पता करते हैं क्या ये सच में सेकंड हैंड में लैपटॉप बेचता है। हेलो हेलो, हाँ भाई, आप सेकंड हैंड में लैपटॉप बेचते हो? हाँ, तो क्या बजट में है आपके पास लैपटॉप? अपने पास भी मिनिमम 12000 से स्टार्टिंग है लैपटॉप की, और अलावा बहुत सारे लैपटॉप हैं, सभी के साथ एक महीने की हार्डवेयर वारंटी, 7 दिन के रिटर्न पॉलिसी, ना समझ आएगा तो रिपेमेंट वापस हो जाएगी। अच्छा, एकदम लो एंड में नहीं मिल पाएगा जैसे नॉर्मल काम करने के लिए, क्योंकि मेरा बजट इतना ज्यादा नहीं है। नॉर्मल अगर जैसे बहुत ज्यादा मेरा कम बजट है, 5000 में नहीं मिल पाएगा कोई सेकंड हैंड में लैपटॉप? नहीं, 5000 में कोई लैपटॉप नहीं आता हमारे पास। चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू भैया, आपसे बात करके अच्छा लगा। सच बताओ तो यार 5000 रुपये में लैपटॉप ढूंढना कुछ ज्यादा ही मुश्किल का काम हो गया है, बट मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, मैं लैपटॉप ढूंढ के रहूंगा चाहे जो हो जाए। फिर इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं लैपटॉप ओएलएक्स से बाय करूंगा, बट ओएलएक्स से बाय करने में थोड़ा सा तो रिस्क है, अगर कुछ पाना है जिंदगी में तो यार रिस्क लेना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद मैंने ओएलएक्स ओपन कर लिया और वहां पे मैंने टाइप कर दिया अंडर 5000 सेकंड हैंड लैपटॉप, अपना मैंने लोकेशन भी डाल दिया था लखनऊ का। तो इसके बाद मैंने बहुत ज्यादा स्क्रॉल किया बट मुझे एक भी लैपटॉप नहीं मिला, सब बहुत ज्यादा ओवर प्राइस थे। आप लोग यहां पर प्राइस देख सकते हो, यार लेने का कोई फायदा नहीं था, मेरा जो बजट था 5000 था, तो यहाँ पर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। A few moments later. तो अभी मुझे OLX पर एक सेलर मिला है जो कि लैपटॉप 4000 में बेच रहा है, कंडीशन तो देखने में ठीक लग रही है, और ये जो लैपटॉप है वो 4 कोर और 4 थ्रेड का है, सबसे अच्छी बात तो ये है। और कुछ इसमें देखो लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर विंडोज 10 डाला है, और जो प्रॉब्लम है इसका कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिस्क्राइब किया है। पहले एक बार कॉल लगाते हैं, क्या पता कोई स्कैम ना हो, कहे कि 4000 इतने सस्ते में कोई लैपटॉप बेचता नहीं है, बट एक बार फिर से हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कॉल लगा के, अपने दिल को तसल्ली देते हैं। तो अभी इसके पास कॉल लगाते हैं, तो ये रहा इसका नंबर और ये कॉल लगा दिया है। हेलो हेलो, हाँ जी, आपका ओएलएक्स पर ऐड डाला है लैपटॉप का? जी डाला हुआ है। हाँ, तो ये लैपटॉप आप सेल कर रहे हो, क्योंकि लैपटॉप की प्राइस बहुत ज्यादा कम आपने डाला है, 4000, कोई खराबी है क्या लैपटॉप में? नहीं नहीं जी, सेल कर रहे हैं बिल्कुल, 4000 उसकी प्राइस उस पर लगी हुई है। देखिए भैया, उसमें प्रॉब्लम ज्यादा ऐसी कुछ खास नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो आपको हम बता दे रहे हैं ताकि आगे चल के सामने वाले कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें दिक्कत इतनी है कि उसके कीबोर्ड के कुछ बटन जो है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। हाँ। और थोड़ा लैग हो रहा है और हीटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और थोड़ा पुराना हो चुका है लैपटॉप, तो इसी वजह से हम उसको सेल करना चाह रहे हैं, और प्राइस जो है वही 4000 आपके सामने है वो। अच्छा, बाकी ओवरऑल लैपटॉप में तो कोई कमी नहीं है ना, मतलब डिस्प्ले एकदम ठीक है ना? लैपटॉप में कोई कमी नहीं है, उसकी हेल्थ, बैटरी हेल्थ जो है वो भी काफी अच्छी है। आपको जी? हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में देखा था, लिखा है इसमें बैटरी हेल्थ बहुत अच्छी है लैपटॉप की। ठीक है, ठीक है, तो आप ऐसा करिए ना, आप अपना जो एड्रेस है वो मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिए, इसी नंबर पे। इसी नंबर पे आपको मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, ठीक है। तो ये लैपटॉप मेरा बाय करने का मेन रीजन ये है, मतलब अभी बाय तो नहीं किया है बट ये मेरे लोकेशन में आ रहा है, पहले लैपटॉप को चेक करेंगे, अगर लैपटॉप का कंडीशन अच्छा रहा, चलने लायक रहा तो इसको बाय करेंगे, वरना हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो अभी हम लोग लैपटॉप सेलर का वेट कर रहे हैं, जल्दी से वो आए और लैपटॉप हम लोग देखें कैसा है उसका कंडीशन है, फिर हम उसको सोचेंगे बाय करना है कि नहीं। तो वेट करते हैं जल्दी से वो आए। A few moments later. तो अभी हमारा सेलर भी आ चुका है और यार लैपटॉप को जल्दी से निकलवा के देखते हैं कि लैपटॉप की कंडीशन कैसे है, लेने लायक है कि नहीं। और यहाँ पर भाई ने लैपटॉप निकाल दिया बाहर, लैपटॉप का ऊपर से कंडीशन
दिखने में लग रहा है कि बहुत ज्यादा रफली तरीके से इसने यूज किया है। और अभी ओपन करते हैं, देखो अंदर से तो कंडीशन बढ़िया है, बट ऐसे ही ऊपर से लैपटॉप देख के हम लोग ले नहीं सकते हैं। तो इस सेलर को मैंने अपने फ्रेंड के घर पे बुला लिया ताकि हम लोग इस लैपटॉप को पूरे अच्छे तरीके से चेक कर सके। इस लैपटॉप में क्या खराबियां है, क्या बुराइयां है, वो सब मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, राम राम इशारा ने तो लैपटॉप ओपन करते ही लैपटॉप भगना स्टार्ट कर दिया था। और इस लैपटॉप को बूट होने में 3 मिनट लग गए यार, बहुत ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि इसके अंदर हार्ड डिस्क लगी है और इसका हार्ड डिस्क बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है। और सबसे बुरी बात, इस लैपटॉप का एक भी कीबोर्ड का बटन काम नहीं करता है, सबके सब पैरालाइज हो चुके हैं। और इसका माउस का ट्रैक पैड बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। सबसे अच्छी बात, इस लैपटॉप के स्क्रीन पर कोई भी डेड पिक्सल नहीं है, मतलब डिस्प्ले एकदम ओके है। और इसके बाद मैंने लैपटॉप का बैटरी टेस्ट किया और बैटरी बैकअप भी अच्छी खासी दे दे रहा है, मतलब बैटरी अभी सही कंडीशन में है। और इसके बाद मैंने लैपटॉप के सेलर से पूछा, आप लास्ट कितने में इसे बेचोगे? तो उन्होंने कहा 4000 से ना ही नीचे ना ही ऊपर, लास्ट प्राइस है। फिर इसके बाद मैंने अपना ब्रह्मास्त्र यूज किया। वो जो बंदा था वो थोड़ा नॉन टेकी टाइप बंदा था, उसको इतने लैपटॉप के बारे में जानकारी नहीं था। फिर मैंने इसी बात का फायदा उठाया और मैंने लैपटॉप ले लिया। और आप लोग को पता है मैंने इस लैपटॉप को कितने में परचेज किया? तो मैंने इस लैपटॉप को परचेज किया सिर्फ 3000 में। भले ही आप लोग को ये सब छूट लग रहा हो, बट मैंने सच में इस लैपटॉप को 3000 में परचेज किया। आप देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे सेलर से डील करते हो, और ये सब काम करने के लिए आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और इस लैपटॉप को मैंने मेन रीजन की वजह से बाय किया। फर्स्ट इसका प्रोसेसर, क्योंकि इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 4 कोर 4 थ्रेड का प्रोसेसर। सेकंड इसका डिस्प्ले, क्योंकि इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर एक भी आपको पिक्सल देखने को नहीं मिलता। थर्ड इसकी बैटरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बैकअप देता है, तो मैंने इसलिए इस लैपटॉप को बाय किया। अब मैं इस लैपटॉप के 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसका जो हार्ड डिस्क है वो पूरी तरीके से डेड हो चुका है, मतलब बहुत ज्यादा स्लो वर्क करता है, तो इसका जो हार्ड डिस्क मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। और सेकंड जो प्रॉब्लम है, इसका जो कीबोर्ड का बटन एक भी काम नहीं करता, वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। और थर्ड जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ 4GB रैम है। आज के टाइम में कोई 4GB रैम वैसे यूज नहीं करता है, तो आपके लैपटॉप में मिनिमम 8GB रैम होना चाहिए, तभी आप अच्छे से अपने लैपटॉप को मल्टीटास्किंग के लिए यूज कर सकते हो। तो मैं 4GB की एक और एक्स्ट्रा स्टिक ऐड करूंगा ताकि हमारी जो टोटल रैम हो जाए वो 8GB की हो जाए। तो हमारे लैपटॉप बाय करने का बजट सिर्फ 5000 रुपए था, तो मैंने इस लैपटॉप को सिर्फ 3000 में परचेस किया। तो अभी भी हमारे पास 2000 रुपए बचे हैं, तो अब मैं इस 2000 रुपए से अपने लैपटॉप को अपग्रेड करूंगा। और यार मैं लैपटॉप में क्या क्या अपग्रेड करने वाला हूं वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो यार लैपटॉप अपग्रेड करने से पहले आप लोग लैपटॉप को परफॉर्मेंस देख लो। पहली बात तो लैपटॉप को ओपन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मतलब 2 से 3 मिनट तो इसको बस ओपन होने में लग जाता है। और इसके बाद हम लोगों ने इस लैपटॉप में क्रोम ओपन किया और यार क्रोम को ओपन में इसको जमाना लग गया यार, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि जो इसका हार्ड डिस्क पूरी तरीके से डेड हो चुका है। तो कोई भी अगर एप्लीकेशन में ओपन करता हूँ तो वो बहुत ज्यादा लेट ओपन होता है। और यार अभी भी हमारा क्रोम ओपन नहीं हुआ है, देख रहे हो कितना ज्यादा स्लो लैपटॉप है। 2000 years later. तो अब जाके हमारा क्रोम ओपन हुआ है तो आप लोग इसके परफॉर्मेंस से पता लगा सकते हो कि कितना डर्टी लैपटॉप है। तो यार आप ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं और यार जल्दी से लैपटॉप को अपग्रेड करते हैं। और यार लैपटॉप को अपग्रेड करने के बाद आप लोग परफॉर्मेंस देख के ना चौक जाओगे यार, सच बता रहा हूँ। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं और यार लैपटॉप को अपग्रेड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने हार्ड डिस्क को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि इसका जो हार्ड डिस्क है वो पूरी तरीके से डेड हो चुका है, तो हम उसको यूज में भी नहीं ले सकते हैं। तो हार्ड डिस्क को हम लोग एकदम पूरी तरीके से बाहर निकाल लेते हैं। और इसके बाद हम लोग अपने इस लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करेंगे SSD। और SSD इंस्टॉल करने का मेरा मेन मोटिव ये है ताकि जो लैपटॉप पूरी तरीके से जो लैग हो रहा है, इसका जो ओपनिंग टाइम वो सब इंप्रूव हो जाए और इस लैपटॉप को एक भी सॉफ्टवेयर क्रैश ना हो, इसलिए मैं SSD लगा रहा हूं। I got scars, put up my guard. I don't wanna get torn apart. I start to feel my heart race faster, it's pumping hard. And all I want is to be something. That's why I just keep on running. Can't stop what you don't see coming. Yeah, and you know I'm coming. How can I trust you? If you don't trust me, I do what I do, 'cause it is just me, and nothing is new. No, I'm not lucky. तो और फाइनली हम लोगों ने अपने लैपटॉप के अंदर SSD इंस्टॉल कर लिया है। हम लोग को इसके अंदर विंडोज इंस्टॉल करना है, तो और जल्दी से विंडोज को इंस्टॉल करते हैं। तो यार फाइनली हम लोगों ने अपने लैपटॉप के अंदर विंडोज 10 इंस्टॉल कर लिया सक्सेसफुली। तो अभी हम लोग को अपने इस लैपटॉप के अंदर रैम अपग्रेड करना है, तो रैम अपग्रेड करने के लिए हमें कंप्यूटर शॉप पर जाना पड़ेगा। तो जल्दी से चलते हैं अपने नियर बाय कंप्यूटर शॉप पे और वहाँ पर हम इसके रैम को अपग्रेड करते हैं। A few moments later. तो यार फाइनली हम लोग नियर बाय कंप्यूटर शॉप पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग अपने रैम अपग्रेड करवाने वाले हैं। तो इस लैपटॉप के अंदर DDR3 की रैम लगती है, तो मैंने सबके ओनर से पूछा कि आपके पास DDR3 में रैम अवेलेबल है 4GB की स्टिक? तो उन्होंने कहा हाँ अवेलेबल है। मैंने पूछा क्या प्राइस है, तो उन्होंने कहा कि इसका जो रैम का प्राइस है वो 500 रुपीज है प्लस 1 ईयर गारंटी उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि रैम लगवा लेते हैं, सस्ते में दे रहा था। मैं रैम लेने तो ऑनलाइन भी ले सकता था, बट ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम है, कल को रैम अगर कुछ खराब हो जाता है तो मैं उसको कहां लेके दौड़ूंगा रिप्लेस करवाने के लिए, तो इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं लिया। तो ऑफलाइन लेने का ये फायदा रहता है, कल को कुछ अगर रैम में प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं यहीं से रिप्लेस करवा के मुझे दूसरी रैम मिल जाएगी तुरंत के तुरंत।
और यार फाइनली हम लोग को लैपटॉप के अंदर 8 GB रैम शो करने लगा है। तो लैपटॉप को लेकर हम लोग अपने घर आ चुके हैं। तो अब आप लोग जिसका आप लोग इतनी देर से वेट कर रहे थे, तो उसका टाइम आ चुका है, मतलब हम लोग इसके ऊपर गेम्स ट्राई करने वाले हैं। देखते हैं ये लैपटॉप हमें 5000 रुपये में कैसे परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, गेमिंग में, एडिटिंग में और कोडिंग भी हम लोग करके देखेंगे कि इस लैपटॉप को 5000 रुपये में बाय करना वर्थ था कि नहीं। तो सबसे पहला जो टेस्ट हम लोगों ने अपने इस लैपटॉप के साथ किया वो था बूट टेस्ट। तो इस लैपटॉप को ओपन होने में सिर्फ 20 सेकंड लग रहे हैं, वहीं अगर हम लोग पहले बात करें तो इस लैपटॉप को ओपन होने में 3 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता था। SSD इंस्टॉल करने के बाद हमारा लैपटॉप एक भी बूंद लैग नहीं होता है और ना ही कोई सॉफ्टवेयर क्रैश होता है। तो अब हम लोग इस 3000 रुपए के लैपटॉप के ऊपर कुछ गेम्स को रन करेंगे और देखते हैं ये लैपटॉप गेम्स को रन कर पाएगा कि नहीं। तो सबसे पहला गेम जो हम लोग रन करने वाले हैं वो है माइनक्राफ्ट। और माइनक्राफ्ट के अंदर हमें FPS तो कुछ ज्यादा ही अच्छे देखने को मिल रहा है, कभी कभी 50 FPS, कभी कभी 100 FPS, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन FPS अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो 3000 रुपए लगा इस लैपटॉप के ऊपर वर्थ रहा। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये लैपटॉप 100+ FPS में गेम खिलवा देगा, मैं सोच रहा था 30-40 FPS दे देगा आराम से, लेकिन ये तो 100+ FPS दे रहा है। तो सेकंड जो गेम हम लोग रन करने वाले हैं वो एक एमुलेटर बेस्ड गेम है और आप सबका फेवरेट भी गेम है, तो वो है फ्री फायर। और फ्री फायर को रन करते हैं, तो फ्री फायर को मैंने रन किया लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पर और जो मैं फ्री फायर के अंदर FPS देखने को मिल रहा है वो 12, 13, 14 ऐसे FPS देखने को मिल रहा है जो कि बिल्कुल भी प्लेएबल नहीं है। तो आप इस लैपटॉप के ऊपर एमुलेटर बेस्ड गेम नहीं खेल पाओगे, देख रहे हो क्या परफॉर्मेंस दे रहा है ये। तो इसके बाद हम लोगों ने इस लैपटॉप के ऊपर एडिटिंग ट्राई किया, तो यार 1080p की वीडियो ये आराम से एडिट कर दे रहा है, मतलब जैसे अगर लेयर्स को हम थोड़ा सा हैवी करते हैं तो वहाँ पे हमें लैग देखने को मिलता है। आप नॉर्मल वीडियो आराम से इसके ऊपर एडिट कर सकते हो, बट जैसे ही टाइमलाइन थोड़ा सा हैवी होता है तो ये लैग होना स्टार्ट हो जाता है। सो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं लाइक कर लो और चैनल को अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लो, और यार न्यू वीडियो टॉपिक कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, मिलते और किसी वीडियो के साथ। इंस्टा पर फॉलो करना मत भूलना।